दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल को इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बगल में दिख रहे घंटी का आइकन को दबाइए सभी सरकारी नौकरियों की सूचना अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको इंडियन नेवी MR म्यूजिशियन की भर्ती के चयन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, A to Z सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये इंडियन नेवी की बिना परीक्षा वाली भर्ती है, ना ही आपको इसमें कोई लिखित परीक्षा देनी होती है, ना ही कोई ऑनलाइन परीक्षा। डायरेक्टली आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी के बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस नेवी म्यूजिशियन का मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही ज्यादा आपके डाउट्स आ रहे थे दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बना दी जाए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दीजिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखी है कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, या फिर अगर आप इसकी डिटेल एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन है नेवी MR म्यूजिशियन में, उसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा या फिर ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती है दोस्तों। इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है, प्रीलिमिनरी और फाइनल स्क्रीनिंग बोर्ड के। यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड है दोस्तों, इसमें आपके जो है दो फेज़ होते हैं। पहले फेज़ में आपकी जो है वेरिफिकेशन ऑफ एज होती है, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, म्यूजिक सर्टिफिकेट्स की और म्यूजिक एलिजिबिलिटी की। यानी आपके जो है जो सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए थे, आपने जो म्यूजिक सर्टिफिकेट्स अपलोड किए थे, उनकी जाँच की जाती है कि ये रियल है या फिर आपने कोई जो है अलग से बनवा रखे हैं। तो यहाँ पर आपकी म्यूजिक सर्टिफिकेट्स की जांच होती है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी 10th की मार्कशीट्स वगैरह की जो है जांच होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी म्यूजिक एबिलिटी, सबसे बड़ी बात है दोस्तों म्यूजिक एबिलिटी, यानी जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चूज किया था, या फिर आप के पास जो भी म्यूजिक एबिलिटीज़ हैं उन सब की यहाँ पर जांच होती है, आपकी आपको परफॉर्म करवा के देखा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसे पार कर लेते हैं तो आपको जो है इसके फेज़ 2 को क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में दोस्तों 1.6 किलोमीटर रन यानी 1600 मीटर की रेस होती है, जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। 20 स्क्वाड्सअप होते हैं, 10 पुशअप्स होते हैं, ये आपको केवल और केवल क्वालिफाई करने होते हैं, इसके कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं। आपका जो सिलेक्शन है वो टोटली प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड और फाइनल स्क्रीनिंग बोर्ड के बेसिस पर होता है दोस्तों। यहां पर जो आपके इसके बाद जैसे ही आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोर्ड को पास करते हैं तो आपका यानी जो फाइनल स्क्रीनिंग बोर्ड होता है दोस्तों, जिसमें आपका यहाँ पर जो है इन्होंने बताया हुआ है कि ऑल क्वालिफाइड स्टूडेंट कॉल टू INS कुंजली कोलाबा मुंबई। यहाँ पर फाइनल स्क्रीनिंग टेस्ट में दोस्तों आपका बेसिक यहाँ पर मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है, यानी आपका जो बेसिक मेडिकल होता है जैसे कि नेवी का होता है वो यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी जो मिनिमम हाइट है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 5 सेंटीमीटर का आपकी चेस्ट में एक्सपेंशन होना चाहिए, और आपका जो वेट है वो हाइट के प्रोपोर्शन होना चाहिए। आई साइट्स भी यहाँ पर दी हुई हैं दोस्तों, विदाउट ग्लासेस और विद ग्लासेस। यानी विदाउट ग्लासेस में आपकी जो बेटर आई है वो 6x60 की होनी चाहिए, रोस आई 6x60 की। विद ग्लासेस में दोस्तों बेटर आई आपकी 6x9 की और रोस आई 6x24 की। दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आपको यहाँ पर मेडिकली अनफिट डिक्लेयर किया जाता है तो आपके पास टाइम होता है उस पॉइंट को क्लियर करने का, तो वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आपके पास इतना टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर आप जो है अपने मेडिकल पॉइंट को जो है क्लियर करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जो कि INS सिल्का ओडिशा में होती है, और आपकी जो ट्रेनिंग है इस बैच की जिसके अभी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, इसकी अक्टूबर 2019 में स्टार्ट हो जाएगी। 15 वीक की बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 26 वीक की दोस्तों आपकी जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग होगी मिलिट्री म्यूजिक में। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि दोस्तों आपकी जो कम से कम एंगेजमेंट है वो कम से कम 15 साल की होनी चाहिए, उसके बाद आप जो है से रिटायरमेंट ले सकते हैं या फिर आप अपनी पोस्ट को इंक्रीज करवा सकते हैं, यानी आप जो है इंक्रीज भी इस ड्यूटी को करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था इंडियन नेवी MR म्यूजिशियन का। दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हम जो है अभी म्यूजिक सर्टिफिकेट्स बनवा ले। दोस्तों अगर आप बनवाए तो बिल्कुल ओरिजिनल बनवाए, किसी अच्छे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट बनाइए ताकि जो है बाद में आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि यहां पर बिल्कुल अच्छे से वेरिफिकेशन की जाती है आपकी एज की, आपकी डॉक्यूमेंट्स की, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी आपका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है, आपको म्यूजिक आता है नहीं आता है, इनके बेसिस पर ही आपका जो है सिलेक्शन यहां पर होता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी की सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी कोई डाउट्स आपका बचा हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा फ्यूचर में हमारी हर नई वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।